नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, यानी अब बहुजन समाज पार्टी एक नए चेहरे के साथ राजनीति करेगी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार से ही चुना, और कई लोगों का कहना है कि कांशी राम ने जिस मकसद से और जिस तरीके से जिन मूल्यों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, शायद मायावती का उत्तराधिकारी का चयन उसके अनुरूप नहीं है। इसके अलावा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की या बीएसपी की इस समय दिशा, राजनीतिक दिशा क्या है। तो इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए मुझे लगा कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं प्रोफेसर रविकांत जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, उसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेबाक टिप्पणी करते हैं सभी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों पर। आपका क्या अनुमान है कि उन्होंने क्यों अपने भतीजे को चुना? कोई मजबूरी रही या क्या है? हालांकि कई साल से उनका भाई काम संभाल रहे थे और आकाश आनंद भी कोऑर्डिनेटर थे ही, तो अभी इतनी जल्दी, मायावती की उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है राजनीति के लिहाज से, तो ऐसी क्या आवश्यकता या मजबूरी थी रही होगी? डेफिनेटली ये बड़ा सोचने लायक सवाल है कि अचानक इस समय क्यों आकाश आनंद, पिछले साल शायद राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके भाई हैं ही, और मायावती पर ये आरोप भी लगे इस दरमियान कि वो अपने भाई को और भतीजे को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सारे पार्टी के नेता एक एक करके बाहर निकल गए, और कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो एक प्राइवेट फर्म बन करके रह गई है पार्टी। लेकिन ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर सवाल हो रहे हैं। अगर आकाश आनंद को वो लोकसभा चुनाव के बाद ले आती तो शायद इतना विचार नहीं होता। अब इसके दो एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। पहले जो एंगल जिसकी चर्चा कर रहे हैं लोग, उस पर मैं बात करूंगा, फिर जो मैं सोचता हूं उस पर बात करूंगा। जी जी, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के जो सक्रियता है उसकी वजह से आकाश आनंद को उन्होंने पूरा कारभार दे दिया पार्टी का, और लोकसभा चुनाव भी वो लड़ने वाले हैं, वो भी मायावती की अपनी परंपरागत सीट से। तो चंद्रशेखर के पहले आकाश आनंद को बाकायदा चुनावी रास्ते से लोकसभा में पहुंचा देना ताकि चंद्रशेखर की चुनौती खत्म हो जाए, ये ज्यादातर लोग व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन आनंद में वो फायर नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद में है। डेफिनेटली इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। जी, मैं समझ रहा हूं कि मायावती ने जो लोकसभा चुनाव के पहले फैसला लिया है उसके मायने बहुत दूर तक। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पास 12.9% वोट बचा, और एक सीट, वो भी आप कहें कि आधी जीत तो उनकी अपनी है, पार्टी की जीत कम है। ये जाटव जो मतदाता उत्तर प्रदेश में है वो मायावती को भक्ति भाव के साथ मानता है, उसका एक समर्पण है, जिसकी तादाद 11 से 11.5% है। टोटल जो दलित आबादी है वो 21.5% है, लेकिन उसमें करीब 50 से 55% जाटव मतदाता है। नॉन जाटव मतदाता बीजेपी के साथ शिफ्ट कर गए, समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट कर गए, लेकिन जाटव अभी भी इंटैक्ट रहा है मायावती के साथ। मुझे लगता है कि इस दाव से मायावती ने उस जाटव मतदाता को यह मैसेज दे दिया है कि अब आप मुक्त हैं। मैं समझता हूं उन्होंने बहुजन समाज को आजाद कर दिया है कि अब आप जहां चाहें वहां वोट करें, क्योंकि आकाश आनंद में वो फायर नहीं है आप कह रहे हैं, वो कनेक्ट भी नहीं है समाज का, जमीनी वो जुड़ाव नहीं है, वो भाव भी नहीं है।
मायावती जी तो भाई उन्होंने बचपन, मैंने देखा है वो घर बादलपुर गांव में जहाँ वो पैदा हुई थी, और फिर जिस तरह से वो आगे बढ़ी हैं, तो हाँ सही कह रहे हैं आप कि वो जमीनी जुड़ाव और वो जो भोगा हुआ कष्ट और यथार्थ वो सब नहीं है भाई। आकाश आनंद तो उन्होंने तो गरीबी देखी नहीं, उन्होंने तो भाई ब्रिटेन से पढ़ के आए हैं, दलित तो बस्ती देखी भी वो इलीट है, बेसिकली वो जी। इलीट है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कनेक्शन नहीं है समाज का। जो मायावती अभी और 10 गलतियां कर दे, लेकिन वो मैदान में हो तो जटाओ उनको छोड़कर के नहीं जा सकता। अब वो जब खुद ही मुक्त हो रही है, तो वो खुद की मुक्ति में मैं देखता हूं कि उन्होंने समाज को मुक्त कर दिया है, और इससे इंडिया अलायंस मजबूत होगा। जो जाटव मतदाता है, जो अभी मायावती के साथ उस भक्ति भाव के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ ही रहता, अब ईडी है, सीबीआई है, आप जानते ही हैं, तो पूरे देश में चल रहा है। मायावती चाह करके भी इंडिया अलायंस के साथ तो शायद नहीं जा पा रही होंगी, मैं शायद लगा रहा हूं, क्योंकि हम लोग उतना जितना सुनते हैं जितना सोचते हैं वही है, अब हम लोगों के पास कोई अंदर की जानकारी तो होती नहीं है। शायद उन जी पर ये अंकुश होगा कि भाई आप इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएं, तो फिर उन्होंने उस समाज को ही मुक्त कर दिया कि फिर वो जहां जाना चाहे वहां जाए, वो हमारा बंधुआ नहीं है। हमारे साथ जो भक्ति भाव वो और आकाश आनंद के साथ है नहीं, वो भाव है नहीं। तो एक तीर से कई निशाने किए हैं मायावती ने। अब आप ये भी नहीं कह सकते अब आकाश कोई आकाश आनंद फैसला ले लें तो वो मायावती के खाते में नहीं जाएगा। नंबर दो, आकाश आनंद चंद्रशेखर को भी चेक करने में कामयाब हो सकते हैं, वो पहले पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो समाज के लिए है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कि आप मुक्त हैं और आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फैसला विपक्ष के लिए हितकारी साबित होगा। मायावती जी के जो पोस्टर और बैनर्स में वो हाथी के साथ साथ मिशन लिखा होता था, मिशन बीएसपी मिशन, आपको लगता है मिशन है कुछ अभी पार्टी में या उनके पास? मिशन तो मुझे लगता है बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई है, और सिर्फ अभी का नहीं बल्कि 2012 में जब से सत्ता उनकी दूर गई है, वो लगातार ट्विटर पर ही सक्रिय रही है, और बड़े बड़े मुद्दों पर, हाथरस जैसे केस पर जहां पूरे देश में दलित उद्वेलित हो गए थे, SC ST एक्ट को जब डाइल्यूट किया जा रहा था, नौजवान सड़क पर उतर आया था, आपने देखा होगा, उस वक्त भी मायावती का वो उत्साह नहीं दिखा। ट्वीट करके नहीं काम चलता है, समाज ने आपको जो दिया और आपने जो समाज को दिया, समाज रेडी है, नो डाउट, लेकिन वो ये भी उम्मीद करता है कि अब ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं, उस वक्त आपका खड़ा होना जरूरी है। और उस समय मायावती खामोश थी तो निराशा थी उस पूरे समाज में, और इसीलिए वो समाज धीरे धीरे उनसे दूर चला गया, और मिशन नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं। अब कहाँ पे कैडर होता है, होता भी है तो उसकी विशेष जानकारी नहीं होती, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो कैडर हो रहा है और जो सक्रियता दिखती है, वो बहन जी के जन्मदिन के आसपास दिखाई पड़ती हाँ अभी फिर आने वाला है अगले महीने शायद। है, जब उनको और पार्टी के लिए ही चंदा, हम कहें, हम नहीं मानेंगे कि व्यक्तिगत है, तो पार्टी के लिए ही उनको चंदा देना है, उनको गिफ्ट देना है। लेकिन जो पार्टी 4 बार सत्ता में रह चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतना होना, और फिर खर्चा तो मुझे नहीं दिखता है कोई, कि चलिए रैलियां हो रही हो तो जिस समाज ने 2-2 रुपया दिया है, मानवर साहब का मुझे याद है कि वो जब गरीब महिलाएं जो मजदूर नहीं होती थी, जो खेत में कटाई करने जाती थी, तो जो उनको मिलता था, जो पूरा मिलता था, उसमें से भी आधा वो बेच करके 1 रुपया देती थी कांशीराम को, वो ये मिशन था। नहीं वो और दौर तो अद्भुत था कि जिसमें न केवल खेत मजदूर में काम करने वाली महिलाएं उनको चंदा देती थी, बल्कि जो मैं कह सकता हूं कि ये इस समाज का जो इंटेलिजेंसिया, खास करके दलित समाज का इंटेलिजेंसिया, IAS ऑफिसर्स बाकायदे मीटिंग में जाते थे कांशीराम जी के साथ, और
रणनीति पर चर्चा करते थे, उनको इनपुट देते थे और आर्थिक सहयोग भी करते थे। मुझे लगता है कि अब तो उस तरह के ऑफिसर से भी कनेक्ट नहीं है मायावती का। कई ऑफिसर्स रिटायर हुए और वो जाना चाहते थे, बीएसपी में काम करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने मुझे लगता है सिस्टमेटिकली उन्होंने दलित नेताओं को तो बिल्कुल दूर ही कर दिया पार्टी से, ताकि कोई आगे दावा न करे लीडरशिप का। आकाश आनंद के लिए कोई चुनौती न बने। ये विडंबना ही है उस समाज के लिए कि जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो 2 रुपया का चंदा हो या 200 रुपए का हो, बामसेफ जो था वो बेसिकली अधिकारी और कर्मचारियों का ही संगठन था जी जो प्रति माह चंदा देता था, प्रति माह, और वो अपनी ड्यूटीज को मानता था। उसको कितना बड़ा धक्का लगा है। हालांकि वो जो सर्विस क्लास है उसने कभी नहीं सोचा कि वो कभी सत्ता परक राजनीति करेगा। वो केवल समाज को मोबिलाइज करना चाहता था, वो अपने अधिकारों को लेकर के ज्यादा एक तरह से संजीदा था। वो समाज भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हमको ठगा गया है, या वो चीज नहीं है। अब उनके साथ कुछ होता है तो मायावती नहीं खड़ी होती है, बीएसपी नहीं खड़ी होती है, और इसका नुकसान उस पूरे समाज को होता है, मूवमेंट को होता है, मिशन को होता है। मिशन क्या है कि कहीं भी कुछ भी होता था तो 150-200 लोग पहुंच जाते थे, मदद करते थे, मुद्दे को उठाते थे, थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करते थे। ये पूरी ट्रेनिंग थी कांशीराम साहब की, वो अब परे हो गई। आज भी लोग मुंह ताकते हैं कि कहीं मायावती जी का कोई बयान आ जाए या वो सड़क पर कहीं आ जाए। ये आप भी जानते हैं कि आज भी वो समाज में ये चाहत है कि अगर मायावती सड़क पर आ जाए तो वो उबल जाएगा, ये उसके भीतर आग है, लेकिन वो जिसकी तरफ देख रहा है वही नहीं आ रहा। और ये जो उन्होंने किया है वो मिशन का आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से मर्डर है।